जानती हो, मैंने फिल्मों में अक्सर सबको कहते सुना है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये सुनता था तो लगता था कि सिर्फ फिल्मी डायलॉग है, कोई किसी के लिए कैसे मर सकता है। लेकिन मैं अब समझा कि इस बात के असली मायने कुछ और ही हैं। आज मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से वो हूं जो मैं असल में होना चाहता हूं। तुम्हारे साथ मुझे एहसास है कि खुद से पहले सामने वाले की खुशी का ख्याल कैसे रखा जाता है। तुम्हारे साथ मुझे ये सीखने को मिला कि जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने के लिए खुद में बदलाव जरूरी है। तुम्हारे साथ मुझे खुश होने के लिए बहाने की जरूरत नहीं होती। आज मैं कुछ पुरानी तस्वीरें छान रहा था। मैंने देखा कि तुम्हारी और मेरी तस्वीरों में मेरे चेहरे की चमक खुशी के शिखर पर चमक रहे सूरज जितनी है। मैं तुम्हारे साथ इतना खुल गया हूं जितना कभी मैं अपने साथ भी नहीं खुला। तुम्हारे आने के बाद मैंने सीखा कि मुझ में जो है वो मेरा है। इसकी सबसे ज्यादा कद्र किसी को करनी है तो मुझे खुद को। तुम्हारे साथ मैंने सपनों को बुनना सीखा, उन्हें सच करने की कोशिश की। तुम्हें जब भी सामने पाया तो मैंने महसूस किया कि रूह भी मुस्कुराती है, और जब मुस्कुराती है तो आप खुद में एक अलग सी ऊर्जा महसूस करते हैं। तुम्हारे साथ ही मैंने जाना कि प्रेम सच में असीम शक्ति देता है। दूसरों को समझाना तुम्हारे साथ सीखा। कई बार तुम्हें समझाते हुए मैं खुद को और बेहतर समझ पाया। यही सब तो अंदर से नोचता है, दूर हो जाने के बारे में सोचकर। तुम्हारे बिना मैं सच में मर जाऊंगा। वो शख्सियत जो तुम्हारे साथ होती है, जिसे तुम्हें देखते ही रूह के मुस्कुराने का आभास होता है, वो मर जाएगा। और सच कहूं तो इस बार मरा तो फिर सच में मैं एक लाश बनकर ही रह जाऊंगा, भटकते हुए। वैसे भी उम्र बढ़ने के साथ विरह को झेलना भी कठिन हो जाता है। अब छोटी उम्र में होते हैं तो आपके रोने को नादानी समझकर कोई आंसू पोंछ भी सकता है, लेकिन बड़ी उम्र में आपको पता होता है कि आपके छोटे आपको देख रहे हैं, आपके बड़े आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपकी समझदारी आपको खुलकर रोने नहीं देती। तुम्हारे बाद मैं भी अपने अंदर होने वाली अपनी ही मौत पर नहीं रो पाऊंगा। चमत्कार में यकीन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचने पर चाहत होती है कि काश कुछ चमत्कार जैसा होता जो मेरे तुम तक पहुंचने के हर रास्ते को आपस में जोड़कर सीधा और आसान कर देता। इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे बाद सांसें चलती रहेंगी, पर मैं अंदर से मर जाऊंगा।